बिहार आपको लिए चलते हैं। पटना में रोड शो के बाद अब जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा है, सुनाते हैं आपको। देखें कि गांव का नानाजी देशमुख ने कैसे कायाकल्प किया, कैसे संपूर्णता में उनको खड़ा किया, कैसे स्वावलंबी बनाया, यह कल्पना हमको उन्होंने दी और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको और सरलीकरण करते हुए समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिलाएं जो छूट गई थी उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। उन्होंने उस अंत्योदय को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में उसको रास्ता दिखाने का काम किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जब हम इन सारी बातों की चर्चा करते हैं तो गांव के दृष्टि से इन सारे मुद्दों को हम लोग और गहराई से रखने का भी प्रयास करते हैं और कैसे गांव की तस्वीर बदले, कैसे हम स्वयं पूर्ण संपूर्ण गांव बन सके जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जिसमें एम्पावरमेंट आए, जिसमें ई ग्राम स्वराज बने। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे पंचायत को रिवैम्प करने के लिए मोदी सरकार ने जो स्वयं पूर्ण ग्रामीण विषयों को लेकर के काम शुरू किया उसका एक सिंगल इंटरफेस बनाया और पंचायत वाइज उसमें कोशिश ये की गई कि हम किस किस पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट के एजेंडा है उसको एक पोर्टल पर लाए, एक इंटरफेस पर लाए। और हमारे मंत्री ग्रामीण विकास को गिरिराज जी दिल्ली में बैठ करके देश के सभी पंचायतों की तस्वीर अपने कंप्यूटर पर देखते हुए पता लगा सके कि कहां कहां क्या कमी है और किस किस चीज को कैसे ठीक करना है, इस काम को करने का। और इसीलिए इस बात को जिसको हम कहते हैं कि पूरा करने के लिए आज मुझे खुशी है कि 2.63 लाख पंचायत के प्रोफाइल्स पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसके लिए 5,900 करोड़ रुपीज एलोकेट किया गया है, 5,900 करोड़ रुपीज इसके लिए रखा गया है। और इसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो 60 लाख हैं और जो फंक्शनरीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस काम के साथ जोड़ा गया है, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं जब ग्राम विकास की बात करता हूं तो दो बातें हैं, एक जमीन से कैसे गांव की तस्वीर बदले उसकी उसका प्रयास गांव के लोग करते हैं, दूसरा उस विकास के क्रम में सरकार का आर्थिक पक्ष क्या रहता है। मुझे आज ये आपके साथ शेयर करने में खुशी होती है कि आज पंचायतों को सीधा पैसा जाने की व्यवस्था तो की ही गई है लेकिन पंचायतों को जाने वाला पैसा 5 गुना बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने, यह भी हमको ध्यान रखना।